नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भैया दूज की। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है, तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के क्या लेकर जाएगा, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत कात रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत कातते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत जुड़ नहीं जाता वो बोलती नहीं है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दे। बहन कहती है, आज ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल सीज रहे हैं। भाई पूछता है कि तूने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वह भाई को भोजन करा के उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह
चक्की में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वो तूने खाए तो नहीं? भाई कहता है, मैंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाए, वो इस पेड़ पर टंगे हैं। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और वह बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़ी दूर में एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाकर आता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती है कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वो हर घात टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब वह भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। तो बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन पागल तो है, बुरी है पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो? पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है
पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वो माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसकी साथ घात टाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, सभी बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।